आश्रय वहां पे सिर्फ लाश से नहीं महफूज, वहां इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है। 3 बजे तक एक औरत अकेली बैठी रहे बच्चों के साथ, कि उसकी हालत क्या होगी, फिर उसके साथ इतना बड़ा सुलम हो उसकी क्या। वो डिसओरिएंटेड थी, उसने हमें बताया है, हमने स्केच, आप इसका स्केच बनवा दें मुझे इसका, अगर उनको देख रहे हैं ना, 20 साल से काम कर रहे हैं ना आप, अपना स्केच बना कर मुझे दिखवाएंगे इसका, या बता के किसी को अच्छे आर्टिस्ट को कैन बनाए, बन सकते नहीं बन सकते। ये बातें हैं कहानियां कि यादाश्त के ऊपर स्केच बनवाना, यादाश्त है ना, साइंटिफिक तो तरीका का नहीं है, ये आर्ट है। तो हमारा रिलायंस उस पर कम है, अगर अच्छे की उन्होंने किए हैं, हमें बताया गया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि रिलायंस कम है। सीधा सीधा डीएनए प्रोफाइलिंग। और सर इसमें एक दूसरी चीज बताइएगा, आपका एक बयान चल रहा है कि खातून के मुतालिक कहा गया कि फिर रात को क्यों आई, और आप सब मीडिया वालों से पूछेगा, मेरा यकीन है, क्योंकि मैं सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं 12:30 बजे, नहीं जाने, पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर एक। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी एमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा चीची रोक से जाओ। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है, मुझे यह बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों बहनों वालों बेटियों वालों आइंदा ख्याल रखो। अच्छा सर, ये विक्टिम जो है खातून, ये फ्रांस की नेशनल थी और ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, तो इस पे क्या है? उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है, उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मानसर है, और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है, इसलिए बच्चियां वहां पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सही, लाहौर की जगह है, ये कड़ा इम्तिहान है, इंशाल्लाह हो जाएगी। हम मैं पूरे दावे से कहता हूँ, दावा करके कहता हूँ कि हम इस पे काम